भारत पर आतंकी संगठन आईएस का खतरा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के एक प्रमुख अखबार ने इसको लेकर बड़ा खुलासा किया है। इसके ठीक बाद लीबिया में भारतीयों को अगवा करने की खबर आई और फिर जम्मू कश्मीर में फिर से आईएस के झंडे लहराए गए। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर खुलेआम आतंकी संगठन आईएस और पाकिस्तान के झंडे लहराए गए। ये झंडे श्रीनगर की जामिया मस्जिद के पास लहराए गए। आज जब जुम्मे की नमाज के लिए लोग मस्जिद पहुंचे थे, उसी समय कुछ नकाबपोश छत पर आईएस और पाकिस्तान के झंडे लहराते नजर आए। उधर जम्मू कश्मीर से ये तस्वीरें सामने आ रही थी, तो दूसरी तरफ लीबिया से खबर आई कि यहां के सिर्फ शहर से आईएस के संदिग्ध आतंकियों ने 4 भारतीय नागरिकों को अगवा कर दिया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये चारों एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, जहां से इन्हें 29 जुलाई की रात को एक सुरक्षा नाके से अगवा कर दिया गया। जहां से इन्हें अगवा किया गया वो इलाका पूरी तरह से आईएस के कब्जे में है। हालांकि बाद में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया कि 4 में से 2 लोगों को सुरक्षित रिहा करवा लिया गया है, बाकी 2 की रिहाई के लिए कूटनीतिक स्तर पर जबरदस्त कोशिशें की जा रही हैं। ये घटना तब सामने आई है जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हिंदुस्तान को इस वक्त आईएस का बड़ा निशाना बताया जा रहा है। अमेरिकी अखबार यूएस टुडे की एक खबर में साफ तौर पर कहा गया है कि आईएस भारत पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी अखबार ने 32 पेज के दस्तावेज का हवाला देते हुए ये बात लिखी है। आतंक की इस नई चुनौती पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी बात कही है। आतंकवाद की चुनौती को हम लोगों ने स्वीकार किया, उस पर विजय प्राप्त करेंगे। श्रीनगर से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि भारतीय और अमेरिकी दोनों ही खुफिया सूत्रें बता रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट भारत के लिए एक बड़ा आतंकी खतरा बनकर उभर रहा है। ऐसे में सरकार ने इस पर अभी से रणनीति बनाना शुरू कर दी।